एमएस न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं शाश्वत मिश्रा, अभी इस वक्त जो है मैं एक जिम में हूँ और जिम डायमंड होटल जो कि नया अभी बना हुआ है, लोकेशन वही के आसपास है, मुझे एक लोकेशन नहीं पता है। मैं आया हूँ आज यहाँ पे तो सर मिले हैं, सर से मैं परिचय इनसे पूछूंगा और इनके बाद जो है जिम के बारे में दो तीन प्रश्न करूंगा। हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार, आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रताप सिंह है, मैं यहीं बगल में रहता हूँ और यहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेरी नौकरी है। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल के आधुनिक युग में लोग जो है कि जिमों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि गांव को छोड़ के और लोग जिम में आना पसंद करें, क्योंकि हालांकि देखने को भी मिल रहा है कि गांव के भी बच्चे अक्सर जिम को पसंद करें, ये कारण क्या है सर? एक तो पहले ये है कि जो आज का युवा है वो फिटनेस की तरफ बड़ा जागरूक हो गया है और शहरों में चूंकि ओपन स्पेस कम होते हैं और शहरीकरण बढ़ रहा है, गाँव से लोग शिफ्ट हो रहे हैं ब्लॉकों की तरफ, ब्लॉकों से तहसीलों की तरफ और तहसीलों से नगरों की तरफ, और यहाँ नगरों में स्पेस थोड़ी कम रहती है, तो जिम वो स्थल है जहाँ पर हमें वो स्पेस मिल जाती है जहाँ हम अपने फिटनेस का ख्याल रख सकें। उसके अलावा यहाँ थोड़ा माहौल मिल जाता है, लोग रहते हैं तो आदमी अगर जो आलस महसूस करता है दूसरों को देख के वो उजीकृत हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को देखने के बाद जो अंदर की जिज्ञासा होती है वो हमारे अंदर भी आती है, यही है ना सर? तो सर मैं ये अगला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जिमों के माध्यम से हम अपने शरीर को फिट रखने का कार्य कर रहे हैं, तो किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, खान पीन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? अपने डाइट प्लान मेंटेन रखें जी, हम उतनी संतुलित चीज़ें खाएं जितना कि हम कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं, और हमारे खाने और हमारे मतलब कैलोरी बर्न करने वाली जो वो अनुपात है वो बैलेंस रहेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो मैंने सर अभी जैसे मैंने एंट्री किया तो एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है मतदाता जागरूकता के लिए, कोई 28 तारीख को कंपटीशन रखा जा रहा है, उसके विषय में सर आप क्या बताना चाहेंगे? 28 तारीख को एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रखा गया जिला प्रशासन के द्वारा यहीं स्टेडियम में, वहाँ पे मतदाता जागरूकता से उसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि आज के युवा जो है फिटनेस को लेकर बड़ा जागरूक है और वोटर परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए युवाओं का उसमें सम्मिलित होना बड़ा जरूरी है। एक युवा ही समाज की दिशा तय करता है, ये बड़ा जरूरी है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपने मतों का प्रयोग करें, इसीलिए वो मतलब फिटनेस से जोड़ के वो कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि आपने देखा कि सर हमसे बात की और सर का कहना हम यही है कि युवा जो है इस समाज को नया दिशा और दशा देने का कार्य कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। तो सर का यही था कि जागरूकता के तौर पे जो है ये सारी चीज़ें रखी गई हैं और ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है स्टेडियम में एक कंपटीशन रखा गया जिसका नाम बॉडी बिल्डिंग है, तो आप सभी आइए। सर कौन से डेट को रखा गया? 28 तारीख को है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं उसमें। जैसा कि सर ने बताया कि 28 तारीख को आप सभी वहां आइए और उस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जो भी शामिल होना चाहता है, जो भी हिस्सा लेना चाहता है या फिर दर्शक के रूप में आप सभी भी आके देख सकते हैं। जी सर, आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अंशुमान सिंह है, मैं इंदारा से हूँ। जी जी सर, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा कि मैं जिम में हूँ, तो जिम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि कोई व्यक्तिगत मैं मुद्दे पे नहीं आया हूँ, सामाजिक मुद्दे को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। तो हाँ जी सर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो आधुनिक युग में गांव के भी बच्चे जिम में आ रहे हैं, आखिर ये कारण क्या है? सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, एक तो ये थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ से भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एक तरह से अच्छा भी है, लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिजिकली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इससे बहुत सी चीज़ें हैं। आप जैसे मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपका जैसे आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सुबह एक्सरसाइज कर लिए, आपका उसमें मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये अच्छी चीज़ हो रही है। तो आप क्या आदेश या निर्देश पहुंचाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हालांकि बहुत लोग होंगे जो कि जानना चाहते होंगे, बहुत लोग अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी होंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी चीज़ें, देखिए अगर जिम आ जा रहे हैं अच्छा है, अगर नहीं भी जिम आ पा रहे हैं आपके पास फील्ड है, हम लोग तो ऐसी जगह है पूरा खुली जगह है, यहाँ पे गार्डन है पास में, आप चले जाइए रनिंग कर लीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही आगे करना है। तो आप बाकी सारी चीज़ें जैसा कि मैंने देखा वो बाहर मतदाता वाला लिखा, उसके बारे में सर आप क्या जानते हैं? अभी तो उसका मैं नहीं, उसके बारे में नहीं। कोई बांती भैया ने बताया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर अच्छा रहना है तो आपको अपने बॉडी को एक अच्छा शेप देना पड़ेगा और वो शेप देने के लिए आपको जिम में आना पड़ेगा, यही सर आपका कहना है? जिम में ही आए, बाहर भी कर सकते हैं, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दें, आजकल थोड़ा बाहर का ज्यादा चल रहा है। जैसा कि भैया ने बताया कि अभी मैं बताने ही जा रहा था, भैया ने कहा कि नहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करें, पर हाँ अगर आप खुद अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, आप खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके लिए लाभदायक होगी, कहीं ना कहीं वो फायदेमंद होगी। मैं अपना बताता हूँ, मैं
कोविड की सेकेंड वेव के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, मेरा वेट 87 था, मैं घर पे रह के 6 हफ्ते में 12 किलो वेट कम किया। जिम नहीं आया था, मैं घर पे ही किया, सिर्फ डाइट और घर, मेरे घर के सामने फील्ड है उसमें दौड़ता था मैं डेली 10 किलोमीटर दौड़ता था। नमस्कार, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमृतांशु है, मैं होटल आर एस पैलेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हालांकि आधुनिक युग में गांव के बच्चे जिमों में ज़्यादा आना पसंद करें, आखिर कारण क्या है? फिटनेस के प्रति जागरूकता है और कुछ नहीं है, मेरा तो यही मानना है। जैसे पहले लोगों में फिटनेस को लेकर के इतना जागरूकता नहीं था, बट हमारे सोसाइटी में जिस हिसाब से अंदरूनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो उसके प्रति लोगों को जागरूकता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूकता है, इसके लिए लोग फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और केवल गाँव के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोगों में भी अच्छी जागरूकता है, वो लोग भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। सर आपके हिसाब से क्या लगता है, स्वास्थ्य सबसे पहले प्रीफर करना चाहिए या शिक्षा? मेरे हिसाब से दोनों को ही एक समान लेवल पे ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। जी जी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? आप किसी न किसी अस्पताल में पड़े रहेंगे तो आपकी शिक्षा तो वहीं रुक गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से, जैसे कि जिम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कई बच्चे हालांकि हैं जो कि आने का प्रयास करें पर वो किसी कारणों से नहीं आ पाते हैं। देखिए आपने जो कहा कि कई बच्चे प्रयास कर रहे हैं बट किसी कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, मेरा मानना ये है, देखिए जिम को लेकर के एक कोटेशन है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। तो जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के जो है आप एक इनिशियल फेज में मोटिवेट हो, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आदमी घर पे भी कर सकता है, हमारे जिनके पास वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है, वो घर पे भी कुछ चीज़ें एक्सरसाइजेस करके अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिटनेस पे ध्यान देने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, आपके कार्य में भी आपका मन लगता है, आप कार्य भी बहुत एक्टिवली कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऑनर से मिला हूँ और जिम के ऑनर से आज बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान ये बताएंगे कि इस जिम को खोलने का पर्पज क्या था, मोटो क्या था और जिम में कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरीके के लोग आते हैं, जिम में आने के बाद कैसी एक्सरसाइज की जाती है ताकि आपकी शारीरिक व्यायाम हो जाए और आपके शरीर में एक अच्छी खासी बॉडी देखने को मिले। हाँ जी भाई सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम विशाल है, मैं एसपी फिटनेस का ओनर हूँ। सर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल हर जगह बच्चे जो है जिमों में जाना पसंद कर रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है कि घर से निकल के जिम में ही जाना पसंद करें, क्या बात क्या है? अब मेन है सर, जिम एक ऐसी प्लेस है कि वहाँ पे आपको हर टाइप की एक्सरसाइज, हर टाइप का फॉर्म मिलता है। जैसे ग्राउंड में सिर्फ आपको रनिंग मिल सकती है, जिम में योगा, जुम्बा, एरोबिक्स सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो सर सुनने में भी आता है कि अगर आपकी बॉडी बन जाती है और उस दौरान अगर बच्चा छोड़ देता है जिम को तो उसकी बॉडी क्या वैसे ही रहती है या फिर उसका शेप बदल जाता है? वो ट्रेनिंग के ऊपर होता है सर, आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं आपका। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अननेचुरल सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं, उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे जिम में जैसे ज़्यादातर मैं नेचुरल डाइट, नेचुरल चीज़ें बना के देता हूँ तो उनका उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिम छोड़ने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी डलती है, वो बस कैलोरी के ऊपर होता है कि जब आप जिम कर रहे होते हैं तो आप एक अच्छी डाइट पे होते हैं और जिम छोड़ते ही आप अपनी डाइट खराब कर लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आखिर सर क्या ये हो सकता है कि अगर घर बैठे अगर बच्चा अपनी बॉडी को बनाना चाहे तो क्या वो बना सकता है या फिर जिम में आना जरूरी होता है? बिल्कुल बना सकता है, वो जिम ना आए तब भी कर सकता है। जिम देखिए जैसे स्कूल बनाए गए पढ़ने के लिए, वैसे ही सेहत के लिए जिम बनाई गई है, बस और कुछ नहीं है। आप घर पे रह के भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। जिम का मतलब ही होता है, जिम डिसिप्लिन सिखाती है, आप घर पे रहिए डिसिप्लिन में रहिए तो सेहत अच्छी रहेगी। तो सर मैं आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, एक लास्ट प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न कहा जाता है कि स्वास्थ्य जरूरी है या शिक्षा? सर पहले शिक्षा फिर स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, सेहत के बारे में आपको जानने के लिए पहले शिक्षा चाहिए। और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अपने मऊ वालों को ये दे पाएं, क्योंकि फिटनेस लाइन में यहाँ पे किसी को किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। जी जी धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा का कहीं ना कहीं दोनों महत्व है अपने अपने जगहों पर, लेकिन दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी तभी आप समाज के बीच अच्छे और स्वस्थ तरीके से रह पाएंगे। तो ये फिटनेस से आप सर क्या कहते हैं, जैसे कि हालांकि आजकल देख रहे हैं कि आधुनिक युग के बच्चे जिम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ आइए, जैसा कि सर अस्नेफ सर से पूछते हैं। हाँ जी सर नमस्कार। जी सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब से हम ये बात करेंगे
कि आजकल के बच्चे जो कि आधुनिक युग में गांव को छोड़ के जिमों को पसंद करें, आखिर कारण क्या है? जिम का मतलब ये थोड़े ना कि अब आप जो है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जी। जिम का मतलब है कि अपने आप को फिट रखना जी, अपने हार्ट को नॉर्मल रखना, अपने जीआई ट्रैक को सही रखना, अपने खाना पीना को कंट्रोल रखना जी। आज के डेट में हर युवा जो है सिर्फ जंक फूड के ऊपर ये रहता है, डिपेंड रहता है कि ये खा लो वो खा लो, ये सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो जा करके आपके स्टमक को जीआई को डिस्टर्ब करता है। फ्लक्चुएंस जिसको कहते हैं कि निचली आना, ये सारी चीज़ें उससे बहुत होती है। सर आपके सोच से क्या लगता है, स्वास्थ्य जरूरी है बच्चों को या शिक्षा? स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ें जरूरी है जी सर। शिक्षा इंसान को जीने का तरीका बताता है और स्वास्थ्य, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी ना शिक्षा बढ़िया पाएंगे जी जी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक है जी। जब दोनों सही रहेगा तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और नेशन को बिल्डअप करने में योगदान करेंगे। ज़्यादा प्रश्न है, हालांकि सर एक्सरसाइज करें, लेकिन लास्ट प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न कहा जाता है कि सर आजकल के ज़माने में आधुनिक युग में लोग जैसा कि मैंने बताया कि जिमों को पसंद कर रहे हैं, इसमें सर स्वस्थ रहने के लिए क्या जिम आना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम स्वस्थ रहने के सिर्फ जिम ही आना जरूरी है जी। आप बाहर भी जैसे आप कार्डियो कर सकते हैं, यानी कि चलना 5-7 किलोमीटर आप अपने आप को वॉकिंग में रख लें जी। उसके बाद आप थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज घर पे कर लें जी। कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए जिम में आना जरूरी है, लेकिन जिम में एक माहौल मिलता है, एक दूसरे को देख के लोग इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए जिम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम आए आकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप घर पे भी, आप पार्क में जा करके, स्टेडियम में जा करके, स्पोर्ट्स में जा करके, कोई ऐसे खेल कूद करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, इनका ये कहना है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो स्वस्थ और शिक्षा दोनों आपको जरूरी है, क्योंकि दोनों आपके जीवन में इतना जरूरी है कि अगर ये दोनों आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आपके शारीरिक और मानसिक रूप को कहीं ना कहीं घात करेगा, यही सर है ना जी? धन्यवाद, जैसा कि आइए मैं आगे 2-3 लोगों से पूछूंगी। आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? मुझको अभी हुआ है कि ना 20 दिन जी। स्वास्थ्य जरूरी है शिक्षा है? सर स्वास्थ्य जरूरी है शिक्षा दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है? पहले शिक्षा फिर स्वास्थ्य, दोनों मेनली दोनों जरूरी है। मेनली दोनों जरूरी है। तो सर यहाँ जैसे कि पहले के जो बच्चे थे गाँव में जाके दौड़ लगाते थे, आजकल के गाँव के बच्चे भी जिम में आना पसंद करें, आखिर कारण क्या है? अब इसका कारण मतलब मान लीजिए, आप कहना गाँव में गाँव के बच्चे आजकल क्या नाम शहर में ज़्यादा दौड़ आना चाह रहे हैं जी। क्या नाम आज शहर में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है आपका, और शहर में क्या नाम है रोजगार है, बहुत चीज़ जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग में गांव के बच्चे भी जिमों में आना पसंद कर रहे हैं, तो ये आखिर कारण क्या है कि जिम में आना लोग पसंद कर रहे हैं? पहला नंबर तो लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं घर पे मतलब घर पे बैठे बैठे आलस या फिर जो कुछ भी आप कह लो। आपके हिसाब से क्या लगता है, स्वास्थ्य जरूरी है या शिक्षा? दोनों जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है साथ में स्वास्थ्य भी जरूरी है। साथ में स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या जिम ज्वाइन करना ही जरूरी है, क्या घर बैठे भी हम फिट रह सकते हैं? दोनों चीजें हैं जी, खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, खुद पे डिपेंड करता है कि हम घर बैठे। आपको मतलब आप खुद कोई चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप जिम आओ, मतलब कहीं ना कहीं एक दिशा देने के लिए, एक अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम आना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि बताया उन्होंने। हाँ भैया नमस्कार, ठीक ठीक बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सबसे पहले आप परिचय दें अपना। हाँ, मेरा नाम दीपक राय है जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य जरूरी है शिक्षा? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। सर क्या जिम जैसे बॉडी बनाने के लिए यहाँ जिम में आना जरूरी होता है? बॉडी बनाने के लिए आप बाहर भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्टेडियम वगैरह है, वहाँ जाके एक नॉर्मल एक्सरसाइज है तो फिट रहने के लिए, फिट रहने के लिए अगर बॉडी बनानी है तो जिम। तो आजकल के आधुनिक युग में जैसा कि गांव के बच्चे हालांकि बहुत लोग पसंद करें कि जिम में जाएं, तो आखिर ये कारण क्या है कि गांव के भी बच्चे जिमों में जाने के लिए इतना उत्साहित है? जिम में एक माहौल बनता है और जिम का एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मतलब बाहर जाएंगे स्टेडियम वगैरह कुछ तो आप वहाँ अपने मन से एक्सरसाइज करेंगे, जिसका मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिम आएंगे एक टीचर मान लीजिए, जो ट्रेनर है उनको टीचर मान लीजिए, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से करेंगे आप तो इफेक्ट आएगा। एक जैसा कि कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? कितने दिनों से आ रहे हैं जिम? वही 4 महीने। 4 महीने। स्वास्थ्य जरूरी है या शिक्षा? स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा दोनों। आजकल के गांव के बच्चे हालांकि बहुत लोग जिमों में आना पसंद कर रहे हैं, तो क्या जिमों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, डेली आना डेली। कारण क्या कि पसंद कर रहे हैं? वर्कआउट करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारी भी नहीं जाती होती। आखिर कारण क्या है कि जिमों में आना अधिकतर बच्चे पसंद करते हैं?
वही फिटनेस के लिए आते हैं। फिटनेस के लिए आते हैं तो आप क्या क्या घर बैठे भी अपनी शारीरिक जो व्यायाम है वो कर सकते हैं? जी घर बैठे भी अपने व्यायाम कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ डॉक्टर पीयूष सिंह है जी। जी क्या सर हम घर बैठे अपने शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते? शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है योगा होती है ये घर बैठ के की जा सकती है। जी जी जरूरी नहीं है जिम आना। जिम आना फिटनेस केवल फिटनेस के लिए नहीं होता है, जिम आने का मेन पर्पज होता है अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए। आजकल के आधुनिक युग में हालांकि देख रहे हैं कि गांव के भी बच्चे जिम को बहुत ज़्यादा पसंद करें, तो आखिर कारण क्या है कि गांव के भी बच्चे जिम में आना चाह रहे हैं? गांव और शहर से जिम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हालांकि वातावरण जो गांव का होता है, क्योंकि अब जो है सिचुएशन बदल गई है, अब गांव का भी शहरीकरण होने लगा है, तो एक तरह से ग्लैमर है जिम में। जिम आना कोई बुरी बात नहीं है, जिम वेट उठाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है और मसल बिल्ड होती है इससे। जिम आने से वेट उठाने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहाँ होती है जहाँ विज्ञापन देख के और कंपटीशन के इस युग में लोग जो है स्टेरॉइड्स और गलत दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो नुकसानदायक होता है। जिम आना नुकसानदायक नहीं होता है, तो कभी भी नहीं हो सकता। आपके हिसाब से क्या लगता है, स्वास्थ्य जरूरी है या शिक्षा? दोनों जरूरी है, दोनों पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धन यही है। यही है, धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि दोनों चीज़ें जरूरी हैं, कहीं ना कहीं आइए हम आगे पूछते हैं। हाँ भैया नमस्कार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं कई लोगों से रिव्यू लिया कि शिक्षा जरूरी है या स्वास्थ्य, अगर शिक्षा जरूरी है तो फिर स्वास्थ्य क्यों नहीं, अगर स्वास्थ्य है तो शिक्षा क्यों नहीं? और हाँ सर आपके हिसाब से क्या लगता है, स्वास्थ्य जरूरी है या शिक्षा? दोनों जरूरी है। तो सर आजकल के गांव के बच्चे भी जिम में आना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही, क्योंकि गांव में हालांकि सुना जाता है कि वातावरण बहुत शुद्ध होता है लेकिन फिर भी यहाँ आना चाह रहे हैं, फिर भी ये जिम को पसंद कर रहे हैं शहरों की, तो आखिर कारण क्या है? घर में रह के आदमी नहीं कर पाता है, यहाँ पे आने के बाद आपको अलग से इच्छा जागृत होती है कि हमको कुछ ना कुछ करे, देख के आदमी का उत्साह बढ़ता है कि जिम में एक्सरसाइज किया जाए। और यहाँ पे ट्रेनर भी एक से एक है, अच्छा वो आपको बताते हैं कि आप बॉडी की क्या जरूरत है, और गांव में आप नहीं जान पाएंगे आपकी बॉडी की क्या जरूरत, क्या उनसे एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जैसा कि धन्यवाद भैया ने बताया कि दोनों चीज़ें जरूरी हैं आपके जीवन में, और यदि आपको खुद एक बढ़िया फिटनेस बॉडी बनानी है तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिए।